हेलो दोस्तों, कैसे हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वीडियो सीरीज के लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे ओवेरियन साइकिल के बारे में। ओवरी में किस तरीके से एक फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से प्रोसेस चलती है, कौन से हार्मोन का मेन रोल होता है, एक एक करके बात करते हैं। आइएगा मेरे साथ में, ध्यान से देखते जाइएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। ध्यान से देखना, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर जो बना रखा है ये आलमंड शेप का बना रखा है, इसे अपन ओवरी बोलते हैं। ओवरी में एक साइकिल चलता है, इसे अपन ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। सिंपल सा बात है। इसके यहाँ पे आगे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा उगोनिया सेल। ये सारी की सारी सेल जो है ये उगोनिया सेल है। ये कहां से आई है? ये इसकी जर्मिनल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। ये जर्मिनल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। ये कितनी सेल थी बर्थ से पहले? ये सेल लाखों में थी। कुछ लाख सेल थी। धीरे धीरे जब जन्म लेता है एक फीमेल का, मतलब वेल डेवलप्ड फीटस का जब बर्थ होता है तो वहां से जो उसके ओवरी में जो सेल होती है उगोने सेल, वो क्या होती है? लाखों में होती है। और इसके बाद में जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता रहता है बर्थ के बाद में, और वो प्यूबर्टी जब तक अटेंड करती है एक फीमेल, तब तक उसकी बॉडी में, मतलब उसकी ओवरी में, हर एक ओवरी में, भाई ओवरी कितनी होती है? दो होती है, पैर में होती है। ओवरी में उसके अंदर प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 उगोनिया सेल बसती है। ये यहाँ पे लाखों सेल ये सेल में कन्वर्ट हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं उगोनिया सेल का डीजनरेट हो जाना, इसे बोलते हैं एट्रेसिया। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मतलब उगोनिया सेल मर जाती है, डिजनरेट हो जाती है। और कितनी बचती है? प्यूबर्टी तक 60 से 80,000 सेल बचती है उगोनिया सेल। अब हर एक उगोनिया सेल कैसी फेज में रहती है? हर एक उगोनिया सेल ये प्राइमरी फोलिकल फेज में रहती है। ये मैंने यहाँ पे जो ये बाहर ये जो कवरिंग बना रखी है, ये राउंड राउंड सर्कल बना रखा है, इसे अपन बोलते हैं फोलिकल्स। अब यहाँ पे एक हॉर्मोन का रोल आता है जिसे अपन बोलते हैं FSH हॉर्मोन। इस हॉर्मोन का पूरा नाम क्या भाई? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ये हॉर्मोन इस फोलिकुल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, इस उगोनियम सेल का आगे डेवलपमेंट कैरी ऑन हो जाता है। तो इस प्राइमरी फोलिकल सेल में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसी फेज में रहती है सारी की सारी उगोनियम सेल। तो ये प्राइमरी फोलिकल फेज में जैसे डेवलपमेंट, अब कई बार ये फोलिकल सेल इस हॉर्मोन का एकदम से अप लेवल होने की वजह से ये फोलिकल सेल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर ऐसा देखा गया है कि फोलिकल सेल का जो साइज है वो फुटबॉल जितना बन जाता है, और ये एक इमरजेंसी केस होता है जिससे सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है इमीडिएट। समझ में आई बात में? ये फोलिकल सेल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, हॉर्मोनल लेवल पे डिपेंड होता है। ये सारा का सारा जो भी प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं हॉर्मोनल कंट्रोल में होता है। तो यहां से FSH हॉर्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इन सभी सेल को स्टिमुलेट करता है। तो आगे की फेज जो होती है उसमें क्या होता है, ये फॉलिकुलर सेल आगे जाके एक लेयर बना लेती है। वो ये मैंने जो ब्लैक कलर से जो लेयर बना रखी है, ये जो सेल का ये यहाँ पे एक बड़ी लेयर बन गई, इसे अपन बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोलते हैं इसे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इसके बाहर एक लेयर का और सिक्रेशन होता है। तो देखो बीच बीच में जगह, यहाँ पे बीच में गेप है, इसे डिसकंटिन्यूअस लेयर बोलते हैं। और इस डिसकंटिन्यूअस लेयर एक सेल का ग्रुप है जिसे अपन बोलते हैं थीका सेल। थिकनेस के मतलब आउटर मोस्ट पार्ट में एक थिक सेल आ जाती है जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जिसे अपन थीका सेल बोलते हैं। तो थीका सेल आ गई, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल आ गई, अंदर है क्या है? अंदर यहाँ पे उगोनिया सेल का डेवलपमेंट चल रहा है। आगे किस तरीके से डेवलपमेंट होता है आपने यूजेनेसिस प्रोसेस में समझा होगा कि किस तरीके से एक प्रीमोडियल जर्म सेल मॉडिफाइड होकर आगे जाके ओटिड बन जाता है। तो यहाँ से अपन सारी बातें जानेंगे। इस फेज को अपन बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल। देखो इसके डेवलपमेंट के बाद में सेकेंडरी फोलिकल बन गया, इससे आगे और डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है देखना ध्यान से, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये वाला मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। उसके बाद में ये थीका सेल ये कंटिन्यू हो जाती है, और ये कंटिन्यू नहीं होती है, ये कंटिन्यू होकर दो लेयर बन जाती है। और इससे दो लेयर बनती है, और दो लेयर किस तरीके से अरेंज हो जाती है, एक बन जाती है थीका एक्सटर्ना, एक बन जाती है थीका इंटरना। तो दो लेयर बन गई, एक क्या है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और अंदर जो सेल है वो यहाँ पे जो प्राइमरी ओसाइड सेल है वो यहाँ से चली थी। कौन सी सेल से चली थी? उगोनियम सेल से। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बाद में वो प्राइमरी ओसाइड बनती है। और प्राइमरी ओसाइड कब बनती है? जब उसमें मियोसिस फर्स्ट चल रहा होता है। मियोसिस फर्स्ट कब तक चलता है?
टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी अटेंड करती है फीमेल, तब तक मियोसिस फर्स्ट चलता है, और प्यूबर्टी अटेंड करते ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और क्या बन जाता है, सेकेंडरी ओसाइट। तो यहां कहीं आके क्या बन जाता है, एक सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है, और सेकेंडरी ओसाइट के साथ में ही एक यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट बनता है वो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट क्या है, छोटा सा पॉइंट है प्राइमरी पोलर बॉडी, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और इसके साथ में और क्या होता है, देखो इसके साथ में इस मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल में एक ऐसी कैविटी बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है जिसे अपन एक नाम लिखा गया है, इसे अपन बोलते हैं क्रिसेंट शेप की कैविटी बन जाती है, क्रिसेंट क्रिसेंट शेप की कैविटी बन जाती है, इस तरीके से कुछ शेप बन जाता है जिसे अपन इस कैविटी का नाम क्या बोलते हैं कि क्रिसेंट शेप की जो कैविटी इसे अपन बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम बन जाती है। और यहाँ पे जो लिक्विड फॉलिकुलर फ्लूइड यहाँ पे जमा होने लग जाता है, यहाँ पे फ्लूइड का जमावड़ा चालू हो जाता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा होना चालू हो जाता है, कैविटी बन गई। इसके साथ में देखो तो और यहाँ पे मैं आपको काम बताता हूँ, ये जो थीका इंटरना है ये एक हार्मोन सिक्रेशन चालू कर देती है जिसका नाम है स्टेरॉयडल हार्मोन, और स्टेरॉयडल हार्मोन का नाम क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन का नाम है यहाँ पे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ से कौन चालू कर देता है, थीका इंटरना, और थीका इंटरना एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन चालू करता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक किसको मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक यहां से याद रखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस क्या करता है मैं आपको बताऊंगा आगे, ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक भेजता है एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जिसे अपन फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये यहां से इस तरीके से डेवलपमेंट हो गया और सेकेंडरी फोलाइकल से क्या बन गया, टर्शियरी फोलाइकल बन गया। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है और आगे जाके क्या होता है, आगे जाके होता ये है कि ये जो अंदर जो ये सेकेंडरी ओसाइट था इसके चारों ओर एक ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन चालू हो जाता है, तो यहां से ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन चालू होता है और उस ग्लाइकोप्रोटीन के सिक्रेशन में अपन उस ग्लाइकोप्रोटीन के सिक्रेशन को यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं इसे, इसे नाम दे देते हैं अपन जोना पेल्यूसिडा, क्या नाम दे देते हैं इसे, जोना पेल्यूसिडा इसे नाम दे देते हैं, जो एक की कवरिंग आपने सुनी होगी जोना पेल्यूसिडा, और कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का एक कवच बन जाता है इसके चारों, ये क्या है सेकेंडरी ओसाइट। इसके बाद में यहां से ध्यान से देखना ये जो कैविटी है कंटिन्यू हो गई है, और ये कैविटी देखो कितनी कंटिन्यू हो गई, ये कैविटी बन गई, ये पूरी कैविटी है, इसे अपन एंट्रम कैविटी बोलते हैं, इसमें एंट्रम फ्लूइड भरा होता है यहाँ पे, तो एंट्रम फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ, और इसके बाद में ये जो पोलर बॉडी बनी है फिर से, तो ये पोलर बॉडी जो है, ये पोलर बॉडी कौन सी पोलर बॉडी है, ये यहाँ पे पोलर बॉडी प्राइमरी पोलर बॉडी है, उसके बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी याद करो जब स्पर्म सेल का इंडिकेशन मिलता है तब सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, मतलब सेकेंडरी पोलर बॉडी आगे जाके कहीं बनेगी। अब यहां से ध्यान से देखना टर्शियरी फोलाइकल में क्या मॉडिफिकेशन हुआ, एक तो ये एंट्रम की कैविटी कंटिन्यू होगी, इसके बाद में इसके चारों ओर क्या गया, इसके चारों ओर एक एक्स्ट्रा ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर आ गई जिसे अपन क्या बोलते हैं जोना पेलिसिडा बोलते हैं, जो एक सेल की आगे जाके कवरिंग बन जाने वाली है। अब यहाँ पे इस सेल को ये टर्शियरी फोलाइकल, ये भी टर्शियरी फोलाइकल है लेकिन ये इससे थोड़ी डेवलप है, इसलिए इसे अपन ने क्या बोल दिया मैच्योर टर्शियरी फोलाइकल, इसका एक और नाम रख देते हैं, अच्छा नाम यही है, और इसे अपन बोलते हैं ग्रेफियन फोलाइकल, तो टर्शियरी मैच्योर टर्शियरी फोलाइकल को अपना ग्रेफियन फोलाइकल भी बोलते हैं। अब ग्रेफियन फोलाइकल में क्या होता है देखना, यहाँ पे वापस आओ, स्टेरॉयडल हार्मोन एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को भेजता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि एक तो सीक्रेट कर दो, क्या एक तो सीक्रेट कर दो आप यहां से LH, और एक सीक्रेट करो और FSH, तो FSH और LH का सीक्रेशन बढ़ता है, और FSH और LH का सीक्रेशन बढ़ता ही चला जाता है, LH का सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, LH का सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसे अपन बोलते हैं एक पीक पे चला जाता है, एक हाईएस्ट पीक पे चला जाता है, इसे अपन बोलते हैं LH सर्ज बोलते हैं इसे, LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आप याद रखेंगे LH सर्ज, LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजेशन करवाता है, मतलब इस ग्रेफियन फोलाइकल में से ये सेकेंडरी ओसाइट को एग्जिट करवाता है, इसे तोड़ फोड़ देता है और यहां से सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकाल देता है, तो LH सर्ज यहां से होता है इस तरीके से, ये यहां से इस एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक की वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट करवा देता है। अब यहां से देखो क्या होता है, इसका रप्चरेशन होगा, यहां से ब्रेकडाउन होगा, तो क्या निकलेगा यहां से ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस से यहां से क्या निकल जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट निकल जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट निकल गया, उसके बाद में बचा कुचा जो पार्ट है सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलने के बाद में ये पार्ट बचा, इस पार्ट में यहां पे एक नाम आया देखो कॉर्पस हीमोरेजिकम, हीम यानी क्या होता है, हीम यानी अपन
हीमोग्लोबिन से कनेक्ट करते हैं, रेड कलर की स्टेनिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे अपन बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजिकम। ये कॉर्पस हिमोरेजिकम कोई कुछ भी नहीं है, ये ग्रेफियन फ्लैकल में से सेकेंडरी ओसाइट के निकलने के बाद में जो पार्ट बचा उसे अपन कॉर्पस हिमोरेजिकम बोलते हैं। रेड कलर का स्टेनिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाता है, समझ गए। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट आगे जाके किसका इंडिकेशन लेता है, स्पर्म सेल का इंडिकेशन लेता है, और इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है और ये ओटिड बन जाता है। अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर इस सेल का आगे जाके डिवीजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, आपको याद है जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद में, जायगोट जब बन जाता है, अगर देखो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, जायगोट बन जाता है तो ये कॉर्पस हिमोरेजिकम डेवलप होके एक टेम्परेरी ग्लैंड बनाता है, इसे अपन बोलेंगे टेम्पोरेरी ग्लैंड। ये एक टेम्पोरेरी ग्लैंड बन जाती है और इस टेम्पोरेरी ग्लैंड का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम तब बनती है जब यहां पे जायगोट बन जाता है, अदरवाइज तो क्या होगा, अगर ये डिवीजन ये यहां पे जायगोट बन गया और ये कॉर्पस हिमोरेजिकम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। क्यों, क्योंकि इसमें एक ल्यूटिन नाम का पिगमेंट सिक्रेशन चालू हो जाता है, यहां पे एक ल्यूटिन पिगमेंट सिक्रेशन चालू हो जाता है और ल्यूटिन पिगमेंट सिक्रेशन की वजह से कॉर्पस हिमोरेजिकम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक टेम्परेरी ग्लैंड है जो क्या सिक्रेट करती है भाई, ये मेनली जो हार्मोन सिक्रेट करती है उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है इसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नाम है। और ये क्या सिक्रेट करती है, और ये सिक्रेट करती है इनहिबिन, और क्या सिक्रेट करती है रिलैक्सिन, और क्या सिक्रेट करती है ये यहां से इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन भी कुछ अमाउंट में सिक्रेट करने लग जाती है। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, टेम्परेरी ग्लैंड है। कब तक बनी रहती है, जब तक प्रेगनेंसी बनी रहती है, मतलब ड्यूरिंग थ्रू आउट ये प्रेगनेंसी ये क्या बनी रहती है, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद में डीजनरेट हो जाती है और इसे इसलिए इसे अपन टेम्परेरी ग्लैंड बोलते हैं। कब बनती है, जायगोट बनता तब। अगर ऐसा हुआ कि सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म सेल का इंडिकेशन नहीं मिला तो ये आगे जाके ये सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, और डीजनरेट होकर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल से बाहर निकल जाएगी। इस केस में आपको कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी ग्लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का जो रोल है वो है एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको पूरी तरीके से मैच्योर कर देना, जिससे क्या हो सकता है इम्प्लांटेशन अच्छे से हो। तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से अप कर देती है, समझ में आया, क्योंकि एंडोमेट्रियम की वॉल को एकदम रिक्रिएट कर देती है, मैच्योर कर देती है, पूरी तरीके से रिफॉर्मेशन कर देती है कॉर्पस ल्यूटियम, किस वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट होता है और वो बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है वो डिजनरेशन के थ्रू और वो मेसल फ्लो से इस सेकेंडरी ओटिड के बाद में, ये सॉरी ओटिड के बाद में ये डिजनरेट जब होता है, मतलब इससे पहले ये जो सेकेंडरी ओसाइट जब डिजनरेट होकर बाहर निकलता है उसके साथ में कॉर्पस एल्बिकेंस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से एक प्रोसेस चलती है। क्या ये सारी ओवेरियन साइकिल आपको समझ में आई? अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन रखता है, तो एक हार्मोन है यहाँ पे, इसका नाम है HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या नाम बोला मैंने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को यहाँ पे स्टेबिलिटी देता है। कब, जब ये जायगोट बन गया है तब। क्या ओवेरियन साइकिल आपको समझ में आया? हर एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से समझने के बाद में आप पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आपके पास में है उन सारे क्वेश्चन को आप लगा के जरूर ट्राई करिएगा। बोर्ड के बच्चे इस तरीके से डायग्राम बनाना चालू कर दीजिएगा। ओवेरियन साइकिल एनसीईआरटी में पूरी तरीके से जो भी फेजेस दी हुई है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम को आप पूरी तरीके से याद रखिएगा और यहाँ पे कोई डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।